हेलो साइड प्लीज, सब करता होगा पैखाना साहब, लेकिन मेरा बेटा जो है ना बहुत बड़ा पोस्ट पे काम करता है, नहीं विश्वास है तो दिखा दे, दिखा दे अपना वाला, इसलिए मैं पापा पे गुस्सा हो जाती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल आरवीएल। आज हम देखने वाले हैं बाइक रेसन 2.0 से ड्राइवर का प्यार अमित परिमल। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। रे एक गिलास चाय लाओ तो, और सुनो बिना पानी मिलाए हुए देना, प्योर दूध वाला, समझे? और तुम्हारे दुकान में सबसे महंगा बिस्कुट कौन सा है वो भी देना। और सुनो बिस्लेरी का नाम सुना है, एक बोतल वो भी देना। अरे वो बिस्लेरी होता है, आजकल खूब पैसा उड़ा रहे हैं, अब पूरा रईस वाला जिंदगी जी रहे हैं, की बात। अरे जिसका बेटा बाहर में कमाने लगता है ना, उसका बाप का रईसी ऑटोमेटिक दो गुना बढ़ जाता है। आपका बेटा क्या करता है? ऐसा थोड़ी है, बाहर में पैसा के पैर लगाते हैं। बड़ा कंपनी में काम करता है, बहुत बड़ा पोस्ट पर है। बहुत बड़ा पोस्ट? कौन कंपनी में काम करता है, तुमका नाम बताइए ता। नाम नहीं पता है। जे भी बाहर कमाने जाता है ना, सब यही कहता है कि हम तो कंपनी के बड़ा बाबू है। काम क्या करता है? पैखाना साफ। हेलो साइड प्लीज, सब करता होगा पैखाना साफ, लेकिन मेरा बेटा जो है ना बहुत बड़ा पोस्ट पे काम करता है, नहीं विश्वास है तो दिखा दे, दिखा दे अपना वाला, वीडियो कॉल पे बेटा को दिखा दे, काम करते हुए उसका ऑपरेशन रुको करवाते हैं। ओ, ये बड़ा पोस्ट है। पापा की कॉल है? ये क्या करना? ओ भाई साहब, बाबूजी बन रहे हैं। हाँ पापा, बोलिए। बेटा तुम बहुत बड़का पोस्ट पे काम करता है ना कंपनी में, इसको विश्वास नहीं हो रहा है, जरा तुम बताओ तो कौन कंपनी में काम करता है? बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा है। और उस कंपनी के हम मैनेजर है, मैनेजर। और ये देखिए कार, ये देखिए, ये कार ना हमको ऑफिस आने जाने के लिए दिया गया है। किसाब करने के लिए दिया गया है। कंपनी का नाम क्या है जिसमें तुम काम करता है? पापा पापा, हमको ऑफिस जाने का लेट हो रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। चला अब विश्वास हो गया ना, बहुत बिजी रहता है वो, उसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकता है। बोल रहा था कि कंपनी तो नहीं, मगर गाड़ी नहीं चल सकती। ड्राइवर गाड़ी साफ हो गया? जी मालिक, हो गया साफ। हम कह रहे कि मेरी बेटी दिल्ली से आई है, रामपुर दयाल चौक पे खड़ी होगी, तुम जाओ उसको लेकर आओ। मालिक आपकी बेटी भी है? लार मत टपकाओ, इतना करो, जा जल्दी लेकर आओ। जा रहे हैं मालिक, जा रहे हैं। मुंशी जी कह रहे हैं कि मालिक के बेटी सुंदर है। हाँ सुंदर है। पापा हीरो बन के जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं रे? अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने, मालिक के बेटी से पहली बार मिलेंगे ना तो थोड़ा अच्छा दिखना होगा ना। कितना हुआ अच्छा कपड़ा पहने, ड्राइवर ड्राइवरी ना रहेगा, जा जल्दी ले जाओ, लेट हो रहा है। जब तक अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। साला यार, तो ऐसे हुआ जैसे बाप के ब्याह में जा रहा है। तो आपको कहला जलन हो रहा है? हमारा कहला जलन होगा? अरे तू जो नया नया कपड़ा खरीदता है, पैसा कहाँ से लाता है? मुंशी जी हमारे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है। और तू जल्दी से जाओ, बिटिया को लेकर आओ, लेट हो रहा है। हाँ हाँ जा रहे हैं। ओ तेरे ये है, अभी तो प्यार हो गया। मैं पापा पे गुस्सा हो जाती हूँ। आप ही सेठ भिखारी सिंह के बेटी हैं? हाँ। आइए बैठिए, हमको आपके पापा भेजे। आइए आइए बैठिए बैठिए।
ड्राइवर थोड़ा एसी बढ़ाओ तो। देखिए हम ड्राइवर नहीं हैं। ड्राइवर नहीं तो फिर क्या? ड्राइवर नहीं हो तो फिर कौन हो? हम आपके होने वाले पति हैं। क्या बकवास कर रहे हो? सच में ना आपका और मेरा शादी बचपन में ही फिक्स हो गया था। बचपन से आपके पापा मान नहीं रहे हैं, इसीलिए आपके यहाँ काम कर रहे हैं ताकि आपके पापा मान जाएं। मना कर रहे हैं तो किसी कारण से ही ना कर रहे होंगे। तुम कहीं और कर लो शादी। कर लेते लेकिन आपसे हमको प्यार हो गया है, वो भी सच्चा वाला। और आप तो जानते ही बचपन पहली बार देखा नहीं प्यार हो गया। लेकिन मैं तो तुमको कभी देखी नहीं हूँ। देखे होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा। और जानते हैं आपके लिए ना हम करोड़ों का संपत्ति सुख चैन सब छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। पहुँचिए आइए। सुनिए ना ये सब बात ना किसी से नहीं बोलिएगा प्लीज। ठीक है थैंक यू। चलिए 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 हम ले जाएंगे। हम ले जाएंगे। अरे रहने दो बिटिया, ड्राइवर बैग उठा लेगा। कोई बात नहीं अंकल, मैं ले जाऊंगी। किरे ड्राइवर, जे लड़की आज तक अपन सामान छूती नहीं थी वो लड़की आज बैग उठा के ले जा रही है। ऐसा कौन सा जादू किया है तू? पैर का चक्कर है बाबू भैया। मालिक के बेटी हमारे लिए क्या क्या उठाती है। पापा पापा प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा खुश रहो। वैसे आने में कोई तुमको दिक्कत तो नहीं ना हुआ है? नहीं दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत कैसे होगा मालिक, लाने जो हम गए थे। आपका ड्राइवर बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। मालिक कह रहे हैं कि बिटिया बड़ी हो गई है तो शादी ब्याह के बारे में कुछ सोच रहे हैं? सोचना क्या है मुंशी जी, हम अपनी बिटिया के लिए लड़का खरीद कर लाएंगे। अरे पैसा की कोनो कमी थोड़े है। खरीद के मालिक, सब कुछ पैसा नहीं होता है। चुप। सही बात। तुमसे कोई पूछा है रे? अरे मैं गाँव आ गई हूँ, कुछ दिन के बाद आऊंगी। बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बॉयफ्रेंड। अब हमको समझ में आ गया कि आपके पापा आपका शादी हमसे क्यों नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके पापा आपके होने वाले पति को मुमांगा दहेज देना चाहते हैं, आपके लिए नौकर खरीदना चाहते हैं। और हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम दहेज लेकर नौकर नहीं बनना चाहते। अरे तो आप उनको समझाइए ना कि आप बिना दहेज के भी नौकर बन जाएंगे। अरे मेरा मतलब है शादी कर लेते। बहुत समझाया आपके पापा लेकिन नहीं मान रहे। एक बात बताइए, आपको हमसे प्यार है? हाँ थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा। चलिए ना दोनों आदमी भाग चलते हैं। पागल है क्या? सोच लीजिए, आपको प्यार करने वाला लड़का से शादी करना है या आपके पिताजी दहेज दे के नौकर खरीद कर लाए लेकिन आपसे प्यार ही न करे उससे शादी करना है। बचपन का प्यार है मेरा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कब भागना? बस भाई साहब मान ही गई। ठीक है आप मेरे बचपन के प्यार को समझी। आई लव यू बेटी। हाँ पापा। तू इतना रात को क्या कर रही है, जाओ सो जाओ। जी पापा। तू रे, तू इतना रात को क्या कर रहा है? कुछ भागने जा रहा है। जी मालिक। भाई सब भगा भी लाए। है मेरा घर। ये घर है तुम्हारा? हाँ यही है। तुम तो बोले थे कि हम बहुत अमीर हैं। दिल से। ओ, तेरी। घर में रहेंगे हम।
उसका ड्राइवर नाम को किडनैप कर लिया है। ओ भाई साहब, बचा लीजिए। और कर लो प्यार, बड़े घर से प्यार करेंगे तो ऐसे ही बात होगी ना। एक दिन का प्यार, बचपन का प्यार बता रहे हैं। बचपन का प्यार बोल के ले आए, अब जाके जेल में चक्की पीसो। वैसे अमित परमल की वीडियो सब सही आती है, ये भी सही थी। वैसे कैसा लगा रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी दूसरी और वीडियो में एक नए बवाल के साथ, तब तक के लिए बाय।